नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए। अगर आपके थ्योरम की वेटेज ज़्यादा है तो आप इन रिजल्ट्स को वहाँ पर डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे बल्कि थ्योरम के अंदर प्रूफ करेंगे, और अगर आपके थ्योरम की वेटेज कम है तो आप इनका डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके रिजल्ट्स से। रिजल्ट्स की जो हेडिंग है वो सेम है, लेट जी बी अ ग्रुप, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। देन हमारे पास में फर्स्ट चीज क्या है, H is normal subgroup of HK। हमारे पास में G जो है वो कोई भी ग्रुप है, H जो है वो उसका नॉर्मल सबग्रुप है, और K जो है वो उसका ऐसे ही एक ऑर्डिनरी सबग्रुप है। तब हमें प्रूफ ये करना है कि H जो है वो नॉर्मल सबग्रुप है HK का। अब यहाँ पर आपके पास में H जो है वो नॉर्मल सबग्रुप है G का, therefore For all G belongs to G and H belongs to H, G H G inverse belongs to H होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है वो H है, ये HK है और ये G है। हमारे पास में G H G inverse belong कर जाता है H को, For all G belongs to G and for all H belongs to H, तो वो सभी G के एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो रहा है। तो इन पर्टिकुलर वो जी एच के एलिमेंट्स के लिए भी ट्रू हो रहा है, क्योंकि अगर G के सभी एलिमेंट्स के लिए जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है तो जो हमारे पास में G का सबसेट है H के उसके लिए भी ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है। Therefore, for all G belongs to H K and for all H belongs to H, G H G inverse belongs to H. Therefore, H जो है वो हमारे पास में normal subgroup हो जाता है H K का। Second result है हमारे पास में, जब हमें ये prove करना है कि H intersection K जो है वो normal subgroup है K का, ये हमें यहाँ पर prove करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए लेट x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k एंड k बिलोंग्स टू k। अब हमें ये शो करना है, टू शो k x k इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k। ये किस तरह से शो करेंगे हम, नाउ x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k। हमारे पास में x जो है वो h इंटरसेक्शन k को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज x जो है वो h को भी बिलोंग कर रहा है और x जो है वो k को भी बिलोंग कर रहा है। इसके साथ साथ ही k जो है वो k को बिलोंग करता है, k जो है वो k को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर भी k जो है वो k को बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास में x जो है वो h को बिलोंग कर रहा है, k जो है वो k को बिलोंग कर रहा है, तो के एक्स के इनवर्स जो है वो एच को बिलोंग करेगा, बिकॉज हमारे पास में एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। और जैसा कि मैंने आपको पिछले रिजल्ट में एक्सप्लेन करा, ये एच है, ये के है, ये जी है, तो अगर हमारे पास में के एक्स के इनवर्स बिलोंग करता है सभी एलिमेंट्स जी के एलिमेंट्स के लिए तो वो इन पर्टिकुलर k के एलिमेंट्स के लिए भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर k x k इनवर्स बिलोंग्स टू g बिकॉज h इज नॉर्मल इन g एंड k कंटेन्ड इन इक्वल टू g। तो ये हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पर आप देखिए, x जो है वो k को बिलोंग कर रहा है, k जो है वो k को बिलोंग कर रहा है, तो k x k इनवर्स जो है वो भी k को बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज के इज अ सब ग्रुप। के जो है वो हमारे पास में सब ग्रुप है, तो के एक्स के इनवर्स जो है वो के को बिलोंग कर जाएगा। Therefore, के एक्स के इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन
ये हमारे पास में H इंटरसेक्शन K को बिलोंग कर जाएगा। अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया, therefore H इंटरसेक्शन K is नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K, बिकॉज K और H जो थे वो हमारे पास में हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लिए थे, रिजल्ट जो है वो सभी K belongs to K and for all x belongs to H intersection K, इन सब के लिए ही रिजल्ट जो है वो ट्रू हो रहा है। Therefore हमारे पास में H intersection K जो है वो नॉर्मल सबग्रुप हो जाता है K का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ करेंगे सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपके थ्योरम की वेटेज कम है तो इन रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर थ्योरम की वेटेज ज़्यादा है तो आप थ्योरम के स्टार्टिंग में इन रिजल्ट्स को प्रूफ करिए और उसके बाद में थ्योरम का मेन प्रूफ जो है उसको स्टार्ट कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, ये जितने भी मैं थ्योरम्स करा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।